चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आज मेरे यहाँ सामने कुछ बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। वेरी फर्स्ट डे ये बताया था कि जब आप कोई चीज़ को प्रूफ डैट करते हैं तो प्रूफ डैट का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अलग अलग लीजिए। ऐसा नहीं कि इक्वल टू वन लिया और हमने काम शुरू कर दिया। सिर्फ कौन सा साइड अपन ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहली गलती मुझे ये नजर आई कि एनएचएस गायब है। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये दो स्टेप, थर्ड स्टेप में कॉसेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यहां पर भी मेरे पास में साइन स्क्वायर कट होके लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1। अब हम लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। नीचे एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला बीच वाला प्लस, उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आरएचएस नहीं लेना है, सिर्फ एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन इंटू 1 इट इज साइन थीटा प्लस ये वाला इंटू ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 10 इंटू 1 इज 10 थीटा, ये इंटू ये 10 थीटा कॉस थीटा, सॉरी इट इज कॉट थीटा, नहीं कॉस ही है, बराबर है ना, कॉस ही है, मैंने वहां का लिख लिया, सॉरी। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर वापिस से साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 10 थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, और 4 टर्म है और नीचे भी साइन स्क्वायर, जबकि जो हमें प्रूव करना है उसमें खाली दो टर्म आ रहे हैं और दो टर्म में भी बीच में क्या आ रहा है, एक जगह मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन तो हमारा भी आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, यानी हम लोग हैं तो सही रास्ते पे, बट फोर टर्म्स को हमें टू टर्म्स में कन्वर्ट करना है और नीचे का डिनोमिनेटर भी हमें हटाना है, तो दो चीजों पर हमें अपना आगे की तरफ काम करना है। देखते हैं क्या करेंगे अपन, यहाँ पर लेंगे एक एक टर्म के नीचे एक एक टर्म, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, लिख रही हूं मैं यहां नीचे, टेन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा कॉट थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा एक ही लाइन का काम है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिखा, एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 10 थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, उसको भी हमने कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस, नीचे हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा। एक और टर्म बचा है माइनस ये वाला 10 मतलब साइन अपॉन कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या क्या कट हो सकता है अभी तो कुछ नहीं पता, देखते हैं। यहां पर बचा मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा
प्लस कॉस बाय साइन थीटा, यहाँ तो कुछ कट नहीं हो रहा, प्लस एक साइन से एक साइन कट हो गया, नीचे मेरे पास बचा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट वाले टर्म में एक साइन से एक साइन कट हुआ, एक कॉस से एक कॉस कट हुआ, बचा हमारे पास माइनस वन अपॉन साइन थीटा। अब ये है प्लस वन अपॉन साइन थीटा और ये वाला है माइनस वन अपॉन साइन थीटा, इन दो को हम कट करते हैं, फाइनली अब हमारे पास है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फाइनली अभी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक अभी पहुंचे, अभी भी हमारा आंसर तो आया नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम रिड्यूस टू टू टर्म्स हो गए, है ना, लेकिन अभी भी हमारे आंसर वाला पार्ट हमारे पास में नहीं है। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम विल बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन है कॉस नहीं है, तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। हाँ जी अभी कुछ पता चलेगा, फाइनल स्टेप लास्ट स्टेप में हमें वापस एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन मतलब हो गया कॉट थीटा प्लस ये वाला जो पार्ट है ये है वन अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये वाला कॉट थीटा एज इट इज प्लस वन अपॉन साइन रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और वन बाय कॉस इज sec थीटा। RHS मैंने यहाँ लिखा हुआ छोड़ा है, sec थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये हमारा आंसर आ गया hence two। Next question, one plus ten square थीटा, ये वाला part one plus ten square will be sec square थीटा, उसके बाद में one plus one upon ten square reciprocal, 10 स्क्वायर का रेसिप्रोकल विल बी cot स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़े, ये वाला पार्ट तो हमने एज इट इज रख लिया sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर विल बी sec स्क्वायर थीटा cos sec स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन होगी है ना, हां वही मैंने कहा सॉल्व कैसे प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर इज cos sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर इज 1 अपॉन sin स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए क्या, वहां पर देखिए हमें हर एक चीज में साइन स्क्वायर के टर्म में आंसर चाहिए, तो पहली बात तो ये खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हमारे पास में आ गया 1, अब नीचे हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में हमें साइन के टर्म्स में ही चाहिए, तो हम लोग cos स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर देंगे इनटू sin स्क्वायर, इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 1 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा, ये इनटू ये माइनस sin स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर sin रेज टू 4 थीटा, यही हमें चाहिए, LHS equal to RHS hence proof। चलिए 1 plus 10 square theta it is sec square theta multiplied by cot theta upon cosec square theta, शांति से एक एक करिए, sec square का मतलब हुआ 1 upon cos square theta multiplied by cot मतलब cos theta upon sin theta और divided by
कोसाइन स्क्वायर थीटा, जिसको यहाँ नीचे लेकर समझ में नहीं आता वो ये पैटर्न यूज करेगा, ठीक है। अब एक कोस से एक कोस कट हो गया, हमारे पास यहाँ पे बचा वन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, कोसेक स्क्वायर इज सॉरी अभी पहले कोसेक स्क्वायर को ले लो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो कोसेक स्क्वायर विल बी वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप बाय स्टेप, फिर कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इट इज वन अपॉन साइन स्क्वायर, तो वो साइन जो है ऊपर आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन कोसेक स्क्वायर की जगह वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आया, वन अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कट हो गया, बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा। आर एच एस में भी हमारे पास टेन थीटा है, जिन्हें डायरेक्टली समझ में आता है वो यहाँ कोसेक की जगह डायरेक्टली वन अपॉन साइन स्क्वायर ले लो, तो आपका काम यहीं पर इजी हो जाएगा, वो हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस बाय साइन डिवाइडेड बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर आप ये साइन स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए तो भी आपके पास आंसर आ जाए। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको बड़ा के लिखना है शॉर्टकट में लिखना है, वो चेंजेस आप कर सकते हैं।